हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब तक नहीं करा, और एज ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वीडियो को भी शेयर करना भूलना। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सुपर हीरो का रिव्यू है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड क्यू फॉर आर पोको एफ1, उसी का रिव्यू है, आई मीन रिव्यू वीडियो। और भाई अभी सोच रहे होंगे कि जितने भी तक रिव्यू वीडियोज बनाई थोड़े दिनों पहले कि सब में मैं DHG यूज़ करा, देखो यार DHG मुझे सही लगता है। लॉरन भी मैं यूज़ करता हूँ भाई, मैं प्रेफरेबल ज़्यादा DHG NG को ही देता हूँ। आई नो गाइस लॉरेन भी अच्छा करने लगा, बट स्टिल सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है। सो ये सुपरहीरो वैसे इसका गाइस एक प्रीवियस बिल्ड था, लास्ट बिल्ड था 29 मई का, वो भाई एक ऐसा बिल्ड था जिसमें ना फिंगरप्रिंट था ना आपका फेस अनलॉक अवेलेबल था, दोनों चीज़ आपकी अवेलेबल नहीं थी। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस व्यू में। तो आपका लेटेस्ट बिल्ड है आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी, आप देख सकते हो 5 जुलाई का है, 17 जुलाई का ये गाइस आपका बिल्ड है ऑलमोस्ट। हाँ लेटेस्ट है भाई, अगस्त स्टार्ट हो चुका है आई नो, बट इसका टोटल आज रिव्यू है। सो फॉर एवर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके स्टेटस बार की। देखो यार यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कैफीन मोड, स्विच डेटा कार्ड, स्क्रीन स्टेबिलाइजेशन, डार्क थीम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिस्टम प्रोफाइल्स मिल जाएगी आपको, लोग तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको मिल जाएगा, वन प्लस का स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा। सो उसमें भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आवाज़ भी बहुत सही लगी। सो ये तो टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर और अगर हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो गया, हेडसअप हो गया, नेविगेशन, एम्बिएंट डिस्प्ले, इनवर्ट कलर्स, डेटा सेवे, तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, डेट्स ऑल। बस इसमें मुझे इस वाले बिल्ड में जो है मुझे 2-3 चीज़ें मिसिंग लगी है जो आपके प्रीवियस बिल्ड में नहीं थी। एक तो आपका CPU इन्फो हो गया, आपको पता होगा एडिट में यहाँ पे मिलता है स्टेटस बार में, और जो आपका दूसरा हो गया FPS इन्फो हो गया, दो चीज़ें मुझे मिसिंग लगी है इस वाले बिल्ड में। अगर आपको ये दो चीज़ें चाहिए तो फिर आपको रिवर्ट जाना पड़ेगा 18 मई वाले बिल्ड में। एक तो आपका 18 मई का भी था, 29 मई का भी था, फिर आपका 1 जुलाई का भी था, तो ठीक है, तो आपको उस वाले बिल्ड में जाना पड़ेगा अगर आपको ये CPU इन्फो या FPS इन्फो ये सब चाहिए। FPS इन्फो के लिए भाई KF मार्क बहुत आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CPU इन्फो के लिए भाई आप थर्ड पार्टी फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा ऐप्स। सो टोटल यहाँ पे आपका होगा स्टेटस बार पे दो चीज़ आपको मिसिंग है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। हाँ ऑडियो मोड ये सब आपको मिल जाएगा, बट एक आपका जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर FPS इन्फो और आपका CPU इन्फो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सो बात कर लेते हैं फटाफट आपके बेंच मार्क्स की है, जो आपका किक बेंच 5 है, DHG के साथ यूज़ कर रहा हूँ, 3.4 सिंपल है, AIO वाला नॉट प्लस वाला एडिशन है, ओवरक्लॉक वाला नहीं है। सो हिस्ट्री में जाएंगे, आपका डिसेंट है यार, आपका जो सिंगल स्कोर है 530 का और जो आपको मल्टी स्कोर है 2243 का, जो ओके है, बट स्टिल आई अग्री सब कुछ स्पीड बैंड नहीं होता, दे आर ओनली नंबर्स। सो इधर आपका हो गया किक बेंच 5 हो गया। फटाफट यहाँ पे 3D मार्क में आ जाते हैं, 3D मार्क भी आपका ठीक ठाक है। अगेन पता है यार 3D मार्क के जो मेरे रिव्यू वीडियो में बेंच मार्क्स है जो रिजल्ट है वो इसलिए कम आ रही है, कुछ मैंने आपको बताता हूँ अभी। OpenGL आपका 4500 का है, Vulkan आपका 4100 का है, इसलिए कम क्यों है, बिकॉज गाइस जो मैं DRG कल मैनेजर है यहाँ पे, इसमें यार मैं जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स है उसको मैंने बैलेंस पे रखा हुआ है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगेन मैं हर रिव्यू वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर बाद में किसी को भाई कोई कन्फ्यूजन ना हो सकता, मैं जो इनकी DRG की प्रोफाइल है परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स इसको मैंने बैलेंस पे रखा, जब भी जो बेंच मार्क्स है थोड़े भाई ऊपर ऊपर नहीं नीचे 3D मार्क के हो गए। सो अगर इसको मैं जैसे गेमिंग प्लस पे करूँगा या परफॉर्मेंस पे रखूँगा थोड़े डिफरेंट होंगे, तो बेंच मार्क्स आपका हो गया। और उससे पहले भाई आपके यहाँ पे मेल्स का भी एक प्रॉब्लम है इस वाले बिल्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीवियस बिल्ड में, आपको फिंगरप्रिंट रिस्टोर करना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे भाई क्या करना है आपको, आपको मॉडल फ्लैश करना पड़ेगा भाई मेल्स वाला। एक तो आपका हो गया इधर बिजी बॉक्स का हो गया, इधर आपका हो गया मैस्क हाइट प्रॉप्स, ये दोनों आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो आपका टर्मिनल है फिंगरप्रिंट को रिस्टोर करना पड़ेगा, एक तरह से कहते तो एडिट करना पड़ेगा, जब भी गाइस यहाँ पे आपको काम होगा, मतलब जो आपकी CTS प्रोफाइल है जब भी वो ट्रू आएगी, नहीं तो फॉल्स ही रहेगी। सो ये आप देख सकते हो अभी तो यहाँ पे मैस्क भी मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है, देख सकते हो दोनों आपकी CTS प्रोफाइल इधर ट्रू है। सो बात कर लीजिए सेटिंग्स में, यहाँ पे आपकी चेंजेस हैं बहुत, मतलब चेंज हुआ प्रीवियस बिल्ड से। इस वाले बिल्ड में आपका हाँ फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, बट आपका फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, तो ये इधर से सबसे बड़ा इस बिल्ड का डिसएडवांटेज है भाई, ना सिंपल है ना IR है, दोनों आपको फेस अनलॉक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस में आता कुछ नहीं, हाँ सुपीरियर गुड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, गुडीज जो भी आपको कस्टमाइजेशन करनी है उस पर भी हम आएंगे। हाँ बैटरी में इसमें आपको थर्मल प्रोफाइल्स मिल जाती है जो प्रीवियस बिल्ड में अवेलेबल नहीं थी, हम कहेंगे जो 29 मई का बिल्ड था उसमें थर्मल प्रोफाइल्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, 18 मई के बिल्ड में था। तो जो भी इधर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अडैप्टिव स्मार्ट चार्जिंग भी इसमें अवेलेबल, तो सारे बिल्ड्स में अवेलेबल थी जो आपका प्रीवियस बिल्ड था, तो ये भी जो आपको यहाँ पे चेक करना है आप चेक कर सकते हो। बैटरी में आगे डिस्प्ले में आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई, जो भी आपको करना है स्मार्ट जो DPI आपको सेट करनी है। हाँ नॉच बिहेवियर का इसमें आपको मिलता है
हिडन डिफॉल्ट जो भी सेलेक्ट करना है कर सकते हो, जो आपका स्टैग ओएस में था और आपका एशियन स्टैग नहीं एशियन ओएस में आपको ऑप्शन मिलता था नॉर्थ साइड का। और पल्स है यहाँ पे, हाँ क्योंकि एज लाइटनिंग ऑब्वियसली यार टैप टू वे के इधर सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी आपको थीम्स यहाँ पे चेंज करने हैं, RGB एक्सेंट है, जो भी आपको करना है यहाँ पे कर सकते हो। हाँ आपको यहाँ पे साउंड इनहेंसर मिलता है, डायरेक्ट का नहीं मिलता आपको, यहाँ पे मिलता है आपको मी साउंड इनहेंसर जो आपके 18 बिल्ड में आपको मिलेगा डायरेक्ट का साउंड इनहेंसर ना, 29 में मिलेगा आपको, अगर लेटेस्ट वाले बिल्ड में मिलेगा मी साउंड इनहेंसर आपको मिलेगा। तो साउंड में आपका हो चुका है, स्टोरेज प्राइवेसी लोकेशन, हाँ सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट अवेलेबल है नॉट फेस अनलॉक। तो थोड़ा यार यही इसकी प्रॉब्लम है इस वाले बिल्ड की, क्या पता इन फ्यूचर डेवलपर इंप्लीमेंट करे भाई फेस अनलॉक को। और अकाउंट्स में आता है एक्सेसिबिलिटी में, तो कुछ नहीं है इधर आपका, डिजिटल वेलबिंग हो गया, गूगल हो गया सिस्टम, इधर आपका अबाउट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं आपके जो सुपीरियर गुडीज़ का है, हाँ स्टेटस बार यहाँ पे आपका हो गया, क्विक सेटिंग्स वो भी इधर आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, कस्टमाइज क्विक सेटिंग्स हो गई, बटन हो गया, नेविगेशन बार हो गया, गेस्चर्स हो गया आपके AOSP गेस्चर्स भाई एंड्रॉयड क्यू के, हाँ एडवांस गेस्चर्स का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जो भी अगर आपको यूज़ करना है कर सकते हो, फुल गेस्चर का सपोर्ट नहीं है यहाँ पे आपका, जो आपके स्टैग ओएस एशियन ओएस में अवेलेबल था। और इधर आप लॉक स्क्रीन में जो भी आपको चेंज करना कर सकते हो, एज लाइटिंग यहाँ पे आपको मिलती है, सो बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे बात लगी है। और यहाँ पे आपका जाएंगे तो आपका वेक अप ऑन चार्ज इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है, और पावर मेन्यू में सब कुछ कस्टमाइज का जो भी आपको ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एट लास्ट एक मिनट, यहाँ पे आपको अबाउट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो भी है सुपीरियर ओएस का, कौन कौन डेवलपर है भाई, कौन कौन कोर टीम डेवलपर, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कौन से कौन सी डिवाइस के लिए अवेलेबल है। बट पोको फोन के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं अनऑफिशियल बिल्ड है। तो कस्टमाइजेशन टोटली गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखो ओके रोम है, मतलब कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं परफॉर्मेंस, बैटरी के लिए ठीक ठाक रीसेंट रोम आप कह सकते हो, परफॉर्मेंस भी ठीक है इस वाले बिल्ड में, मुझे कोई FPS ड्रॉप नहीं देखा, वो भी हम उस पर आएंगे परफॉर्मेंस पे। ये तो सारा आपका कस्टमाइज का यहाँ पे आप आ जाओगे, जो मेन प्रायोरिटी वही परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के देखिए, मुझे इस वाले बिल्ड में ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। जो आपका एक प्रीवियस बिल्ड था 18 मे का, वो भी ठीक ठाक अगर आपको यूज़ करना है, और उससे जो इससे पहले वाला बिल्ड था 29 मे का, उसमें तो भाई क्या कहूँ, एक ऐसा बिल्ड था इतने FPS ड्रॉप की क्या बोलूँ, तो परफॉर्मेंस के लिए टोटली खास नहीं था, बट स्टिल ज़्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसमें देखो आपको कोई FPS में तो ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिखेंगे, ओके है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ज़्यादा मैं कुछ कुछ कहूँगा नहीं। और उसके बाद अब बात करते हैं जो आपका एक्टिव ड्रेन आप देख सकते हो भाई 7-8% का है, ओके है, मतलब ठीक है यार। और अगर हम बात करें भाई जो आपका एक्टिव ड्रेन इन गेमिंग जो है आपका, वो 25-28% का है एक्टिव ड्रेन। और जो आपका टेम्परेचर मैनेजमेंट भाई ठीक है, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, मेरे टाइम जो गाइस था वो 40-41% था, जो ओके है भाई, अच्छा खासा टेम्परेचर मैनेजमेंट है रूम में, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। सो गाइस टोटल परफॉर्मेंस की बात थी, और आपकी बैटरी बैकअप की देखो, अगर DDR की तरह यूज़ करना आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, और अल्टरनेटिव्स बहुत पड़े हुए हैं, अगर आपको बहुत और रूम्स अगर आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हो, मैं ज़्यादा इस रूम पे कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी अनऑफिशियल बिल्ड है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। जैसे बहुत प्रीवियस बिल्ड में, जैसे पहले प्रीवियस बिल्ड थे उसमें आपको फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल नहीं था, अब देख लो जो आपका लास्ट ही बिल्ड है 29 मेगा बिल्ड था, उसमें आपको फिंगरप्रिंट ना आपका फेस अनलॉक, पर धीरे धीरे जैसे अपडेट्स निकलेंगे इंप्रूव होगी। ये गाइस टोटल सुपीरियर ओएस की रिव्यू वीडियो थी, अगर वीडियो बन तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, गाइस वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, वाइब डेलवे कैचे सिस्टम डेटा रोम जी एप्स और मेस्क डेट्स ऑल फ्लैश रिबूट टू सिस्टम, सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको हार नहीं। और गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।